मेरे प्यारियो, प्रभु येसु मसीह दे नां च मैं तुहाडा स्वागत करदा हां। प्रभु येसु मसीह तुहाडे नाल प्यार करदा है ते अपने प्यार नूं प्रगट करन लई हर दिन ओ तुहाडे नाल गल करदा है ते परमेशर जो है ओ तुहानू अपना वादा देना चाहुंदा है। जबूर 66 अध्याय दी 12 आयत। इत्थे परमेशर ने बीते समय च जो चमत्कार कीते हन उन्हां चमत्कारां लई प्रभु दा जो दास है प्रभु दा धन्नवाद करदा है। असी भी अपने बीते जीवन नू चेते करदे होए उस दियां कीतियां भलाइयां दे लई उस दा धन्नवाद करना है। इस तरह उस दी स्तुति करन नाल परमेशर अग्गे भी सानू बरकत दिंदा है। इस वचन दे अनुसार असी अग अर पाणी दे विच्चों दी हो के लंघे पर तैं सानू भरियां थावां विच पहुंचा दिता। एक भगत कहिंदा है, हे प्रभु, असी अग दे विच्चों दी हो के लंघे, तूं सारे खतरियां तो सानू बचाया अते सुखदायक जगह विच पहुंचा के सानू आराम दिता है। इस तरह परमेश्वर दी कीती हुई भलाई लई उस दास ने धन्नवाद कीता है। शायद तुहाडे जीवन विच वी तुसी अग विच्चों दी हो के लंघे हो, तुसी तकलीफां दी वड्डी अग विच्चों दी लंघे हो। तुसी कहिंदे हो, मैं कदों अग विच्चों दी लंघिया, पर जो निंदा है, परेशानियां हन, दुख हन, परतावे हन, वह अग दा ही रूप हन। पर परमेशर ने तुहानू सुरक्षा तो उन्हां चो कढ़िया है। शदरक, मेशक अते अबदनगो दे जीवन ते जेकर तुसी ध्यान दिओ तां उन्हां सारयां नू गलत दोष लगा के फड़िया गया ते एक बलदी होई भट्ठी विच उन्हां नू सुट्टण लई बन के लिजाया गया। तां जिहड़े उन्हां नू अग विच सुट्टण वाले लोक सन, उस अग दे कारण आप मारे गए। लेकिन ओह अर्थात शदरक, मेशक अते अबदनगो उस बलदी होई अग विच खुले जिवें टहल रहे सन, क्योंकि परमेशर ने उस भट्ठी दे विच्चों बचा के उन्हां नू अनोखे ते चमत्कारी ढंग नाल बाहर कढ़िया। सारे कहन लगे, उन्हां कोलों अग दी वासना नहीं आ रही, उन्हां दे चेहरियां ते अग दी गर्मी विखाई नहीं दित्ती। तां उन्हां ने कहा, अग साडा कुछ ना विगाड़ सकी क्योंकि प्रभु ने सानू इस चों कढ़िया। शायद इसे तरह प्रभु ने तुहानू भी जीवन विच बचाया है। सो उन्हां ने अग लई परमेशर दा धन्नवाद कीता कि परमेशर ने उन्हां नू उस अग तो बचाया। तुहाडे जीवन विच वी परमेशर ने ऐसे ही परतावियां तो ते किन्नियां मुसीबतां तो तुहानू बचाया है। अग दी बलदी होई भट्ठी वर्गा ते लाल समुंदर वर्गे दुखां ते परेशानियां दे वड्डे समुंदर नू पार करन विच साडी मदद कीती ते उस अग ने ते पाणी दियां उन्हां लहरां ने सानू डुबोया नहीं है। उन्हां लहरां विच प्रभु ने सानू डुबन नहीं दिता, प्रभु ने बचाया अते साड़ी राखी करदे हुए अगवाई कीती। मतलब असी अग नू भी ते पानी नू भी पार करके इत्थों तक पहुंचे हाँ। इन्हां गल्लां नू ही याद करके वो प्रभु दा धन्नवाद करन लगे। तुहाडे जीवन विच अपने बच्चियां दे संबंध च, सेवा दे संबंध च, अपने कारोबार दे संबंध च एक अग चों लंघ के आए हो, ऐसे तजर्बियां नू पार करके आए हो, इसलिए प्रभु दा दिल दी गहराई तो धन्नवाद करना है कि वह तुहानू ऐसियां अजमाइशां विच्चों कढ़ के लियाया। इन्हीं वड्डियां अजमाइशां चों प्रभु ने आराम नाल कढ़ लियांदा तां आउण वाले सारे हालातां ते अजमाइशां चों भी आराम नाल बाहर कढ़ेगा। हिम्मत रखनी है, परमेशर तुहाडियां सारियां अजमाइशां चों ते खतरियां विच्चों तुहानू बाहर कढ़ेगा। अज तुसी अचंभे वेखोगे, हे पिता, तू अग नू पार करन दी किरपा बख्शी ते पाणी दियां लहरां विच डुबन नहीं दिता, इसलिए तेरी वड्याई करदे हां। आउण वालियां अग वर्गियां अजमाइशां, पाणी वर्गियां अजमाइशां चों तू ही सानू बचावेंगा पिता। येसू दे नाम विच आमीन, आमीन।